हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हो टेक गेट। और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एडसेंस पिन वेरिफिकेशन के बारे में। तो आपके एडसेंस अकाउंट पर जब $10 हो जाता है तो उसके बाद एक प्रोसीजर आता है जहां पर आपको आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पिन जनरेट करना पड़ता है एडसेंस के अंदर से। तो $10 होने के बाद एडसेंस में वहां पर आप जाके ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो आपके पास $10 हो चुका है और आप पिन जनरेट कर चुके हो। वहाँ पर आप 3 बार पिन जनरेट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको फर्स्ट बार नहीं मिलता है तो और एक बार आपको मौका मिलता है, तो सेकंड बार भी नहीं मिलता है तो और एक बार भी आप कर सकते हो। टोटली आप 3 बार कर सकते हो, लेकिन तीनों के 3 बार आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो वो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, विथ प्रूफ भी आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि मेरे पास तीनों के 3 बार ही पिन मुझे रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैंने कैसे एडसेंस का जो एड्रेस होता है मैंने वेरिफिकेशन कराया है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, 3 बार कोड जनरेट करने के बाद भी मुझे नहीं मिला है। मैं पोस्ट ऑफिस पर गया था तो उन्होंने बोला 2 बार कोड आके वापस जा चुका है। क्यों जा चुका है कि उसके ऊपर मेरा नाम नहीं था। तो क्यों नहीं था मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो उससे छोड़ ही देते हैं। तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर साइड में आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो ये था पिन वेरिफिकेशन पिन डालने का स्क्रीनशॉट। तो मेरे पास तो पिन आया ही नहीं था, तो मैं आप क्या करूँ। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है इफ़ यू डिड नॉट रिसीव योर पिन विद इन 4 वीक ऑफ दिस डेट, प्लीज कंप्लीट दिस फॉर्म। दिस फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। तो दिस फॉर्म पर आप जब क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको एक और फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर आप फास्ट आपको देना पड़ेगा आपका नेम, जो आपका खुद का नाम है, जो आपको एक डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ऐसा कुछ भी दे सकते हो। तो वहाँ पर जो नाम है इसे इंटर करना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, देन आपका एडसेंस पब्लिशर आईडी, जो आपको एडसेंस सेटिंग्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। उसके बाद देना पड़ेगा सबमिट एंड अटैचमेंट, ठीक है। आपको एक आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, आप आधार कार्ड ही दीजिए क्योंकि आधार कार्ड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है हमारे इंडिया में, क्योंकि आधार कार्ड ही दे दीजिए। मैंने आधार कार्ड दिया है। आधार कार्ड देने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। तो आप जब सबमिट कर दोगे तो 5 से 20 मिनट के अंदर आपके पास एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगा, ठीक है। कन्फर्मेशन ईमेल आएगा, वहाँ पर लिखा होगा थैंक्स फॉर सेंडिंग योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आई एम हैप्पी टू लेट यू नो दैट दिस फुलफिल द एडसेंस वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर एडसेंस। तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर आपका एडसेंस वेरिफिकेशन हो चुका है, बस आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपके पास नहीं भी पहुँचता है पिन, फिर भी आप कुछ इस तरीके से आसान तरीके से एडसेंस का आप वेरीफाई करवा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे यूट्यूब रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद घंटी भी बजा देना। घंटी बजाने से क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।